साथ आपका एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में मैं हूं निधि आपके साथ। बात करेंगे हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किए गए एक ऐलान की, जिसमें उन्होंने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं से कहा है कि वे चिंता ना करें, जल्द ही सरकारी नौकरी में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री का बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी ही राहत की खबर है, लेकिन इसे लेकर भी अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं दोनों ही पार्टियों की, वो हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस से। कांग्रेस की ओर से मीडिया प्रभारी के मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। मिश्रा जी, स्वागत है आपका एमपी न्यूज पर। और आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि बेरोजगार युवाओं को चिंता करने की बात नहीं है, जल्द से जल्द सरकारी नौकरी में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है, आपको क्या लगता है इस ऐलान को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिएगा, व्यापम के भारत रत्न शिवराज सिंह जी चौहान इस बात को पूरी तरह समझ चुके हैं कि सरकार उनकी जाने वाली है। अब सिर्फ नौजवानों का भविष्य बिगाड़ने के जो जिम्मेदार हैं, अब वो नौजवानों के वोट अपने पक्ष में करने के लिए यदि यह कहें कि नौकरियों की प्रक्रिया चालू होगी तो उसकी तिथि बताएं। अभी तो अधिसूचना जारी नहीं हुई है चुनाव की। उन्हें मालूम है कि ये चला चली की बेला है और आने वाले मुख्यमंत्री उससे निपटेंगे जो भी स्थितियां होगी। तो वो सिर्फ झूठ बोलने के अलावा नौजवानों को धोखा दे रहे हैं और ये गंभीर राजनीतिक अक्षम्य अपराध है। जी मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस का साफ तौर पर यही कहना है कि ये ऐलान सिर्फ एक ऐलान है। बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया होती है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश जी, स्वागत है आपका एमपी न्यूज पर। और जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकारी नौकरी में भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने का जो ऐलान किया गया है, ये सिर्फ एक ऐलान है, वास्तविक तौर पर अगर देखें तो ये एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? निश्चित रूप से नौजवानों को इसका लाभ प्राप्त होगा। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जब किसी घोषणा को करते हैं तो उस घोषणा के पहले भी सारा होमवर्क कर चुके होते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का अभी तक के कार्यकाल का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि जो घोषणा उन्होंने करी है उसको उन्होंने पूरा करा है। और घोषणा करने के पहले वो उस पर पर्याप्त कार्य करते हैं, और जब सारी सुविधाएं और संसाधन जुटा लिए जाते हैं इसी के बाद किसी काम को करने की घोषणा की जाती है। और जहां तक सरकारी नौकरी में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का प्रश्न है, अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने आज मुरैना में घोषणा करी है तो निश्चित रूप से इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्रियान्वित की जाएगी। और अभी तो चुनाव की घोषणा हुई भी नहीं है तो आचार संहिता लगने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी मध्य प्रदेश के नौजवानों के लिए यह सुअवसर उपस्थित होने जा रहा है और शिवराज सिंह जी की घोषणा अनुरूप जो है वो सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। जी उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया हमसे साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन ये ऐलान कब तक युवाओं को फायदा पहुंचा पाता है या फिर ये एक घोषणा मात्र ही रह जाएगी? खैर, जो कुछ भी होगा अपडेट्स हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अन्य खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद।